चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लखनऊ की। और ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा रहेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की समीक्षा सीएम करेंगे, जहां मंडलायुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं। साथ ही श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। श्री राम जन्मभूमि भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां पर श्री राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो देखिए, अयोध्या का बेहद ही खास दौरा, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं, मंदिर का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ है। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की भी समीक्षा यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा ली जा रही है। मंडलायुक्त कार्यालय में सीएम बैठक लेने वाले हैं, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही है। और श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, तो श्री राम जन्मभूमि भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम माना जा सकता है, जहां पर अयोध्या का दौरा आज रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और कार्यक्रम की समीक्षा करते नजर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है, और इसी कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेते नजर आएंगे। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से हमने देखा कि पिछले दौर में भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पहुंचे, तो वहां पर भी जायजा लिया गया, तमाम अधिकारियों के साथ में मौजूद थे और उनसे जानकारी भी ली गई थी। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता शादाब सिद्दीकी जुड़ गए। शादाब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अयोध्या पहुंच चुके हैं या कब पहुंचने वाले हैं, और उसके अलावा कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, आपको बता दें कि अयोध्या में प्रधानमंत्री का दौरा है 30 दिसंबर को, और साथ ही 22 जनवरी को रामलला में के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखते हुए उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े मंत्री हों या लगातार अयोध्या के दौरे पर हैं। इसके साथ ही इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 11:30 बजे वो तकरीबन राम कथा पार्क अयोध्या पहुंचेंगे, साथ ही इसके बाद 11:30 पर हनुमान गढ़ी में हनुमान जी के दर्शन पूजन में रहेंगे। साथ ही इसके बाद अगर बात की जाए तो लगभग 11:50 पर श्री राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लगभग 12 बजे वह साथ ही स्थल निरीक्षण और अयोध्या में जितनी भी परियोजनाएं चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसका भी निरीक्षण करेंगे। जायजा लेने के बाद तकरीबन 1 बजे वह सर्किट हाउस जाएंगे, जहां पर 11:30 से लेकर 3 बजे तक प्रधानमंत्री को जो कार्यक्रम है उसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें इस बैठक में जो मंडला आयुक्त है और साथ ही जिला अधिकारी और इसके साथ जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी का दौरा काफी अहम है, इस दौरान प्रधानमंत्री एक रोड शो भी कर सकते हैं राम मंदिर को लेकर। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रही है और इस कार्यक्रम को वह आयोजन के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। जी, तो भव्य आयोजन यहाँ पर होने वाला है शादाब, जिसका इंतजार सभी को रहेगा, और इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे और जायजा लेते भी नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा काफी खास माना जा रहा है, और अयोध्या में भगवान श्री राम की जहां प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस मंदिर का जायजा भी लेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज यातायात बंद होगा, सुबह 11 से 3 बजे तक आंशिक तौर पर यातायात बंद रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जानकारी दी है, जयसिंहपुर का पर विद्युतीकरण को लेकर यातायात बंद रहेगा, जहां पर विद्युत लाइन के दूसरे सर्किट पर काम के चलते ये बंद रहने वाला है। शादाब हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शादाब, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यातायात बंद रहेगा, अब ऐसे में तमाम जो राहगीर है वो अगर इस रोड से जाते हैं, इस रूट से जाते हैं, तो उनके लिए क्या कोई व्यापक या वैकल्पिक व्यवस्था करके रखी है? बिल्कुल, देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोगों को बहुत ही आसान समय बचता है, क्योंकि ये शॉर्टकट बताया जाता है। दरअसल मामला ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस और राहगीरों को बुधवार को आज के दिन इनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीडा ने जानकारी देते हुए बताया है कि
आज के दिन 11 बजे से 3 बजे तक जो यातायात है वो रोका जाएगा। यूपीडी का कहना है कि विद्युत लाइन के सर्किट में कुछ काम चल रहा है जिसके चलते जो यातायात है उसको रोक दिया गया है। फिलहाल जो यातायात है उसके लिए रूट डायवर्जन भी किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि 11 बजे से 3 बजे तक ये जो यातायात है वो पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है वो बंद रहेगा, उसके बाद वो फिर वही तरह चलेगा जैसे चलता था। जी जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शादाब तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए विद्युत का काम चल रहा है और इसी वजह से ये रूट बंद रहेगा। विद्युत लाइन के दूसरे सर्किट पर काम के चलते बंद रहेगा और इसके लिए व्यापक व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है।